Hi everyone, I hope you all are doing great. My name is Premlata. Welcome or welcome back to my channel. Welcome to another video. आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे UPS में एडमिशन ले सकते हैं BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर रही हूँ जिसमें मैंने UPS की वेबसाइट खोली है और मैं आपको गाइड करूँगी कि आप कैसे वेबसाइट पे जाकर सारी डिटेल्स ईजिली ले सकते हैं और उसमें मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें भी बताऊँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको UPS के बारे में बताना चाहूँगी। सो गाइज UPS 20 ईयर्स की लेगेसी मेंटेन कर रहा है और 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग UPS नंबर वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रैंक करता है। NIRF 2023 के रैंकिंग के 52 पोजीशन को होल्ड कर रहा है। गाइस जो बीटेक इंजीनियरिंग की रैंक है वो 54th रैंक है और इसमें 20 प्लस स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। UPS की तरफ से 100% प्लेसमेंट मिलती है और गाइस लास्ट ईयर का जो डेटा है 2022 का उसके अकॉर्डिंग 583 बच्चे प्लेस हुए थे जिसमें से जो हाईएस्ट पैकेज था 36 लाख पर एनम का था और जो एवरेज पैकेज था 8.51 लाख पर एनम और जो टॉप 10 स्टूडेंट थे जो टॉप 10% स्टूडेंट थे उनको 16.57 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर हुआ था। ये लास्ट ईयर का डेटा है। लास्ट ईयर जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे अमेजोन, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिलॉयट, एसेंचर, विप्रो, डेल एंड मैनी मोर। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कैंपस में आई थी। ये जो कोर्स है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जैसे कि बिग डेटा, डेटा साइंस ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ग्राफिक्स एंड गेमिंग एंड मैनी मोर। आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन इस पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल है। अब मैं आपको इसका फीस स्ट्रक्चर बताऊंगी। 4 ईयर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अराउंड 22 लाख का है और इफ़ इन केस अगर आप हॉस्टल में इनरोल करते हैं तो आपको ये टोटल जो कोर्स प्लस हॉस्टल चार्जेस ऐड करने के बाद ये पूरा कोर्स आपको 24 लाख के अराउंड होगा। तो आपको 24 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब आपको ये दोनों फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और गाइस इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपको UPS की वेबसाइट पे जाकर आपको अपना कोर्स चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपने सारे डिटेल्स इस एप्लीकेशन में फिल करने हैं एंड देन रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 10th और 12th में 50% होने चाहिए और 12th में आपके पास PCM होना चाहिए। इट मीन्स आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अपने 12th में पढ़ा हो और उसके साथ साथ आपकी 50% होना चाहिए। आप चाहो तो आप UPS का भी एंट्रेंस दे सकते हैं। अदरवाइज आप JEE मेंस का स्कोर कार्ड और CUET का स्कोर कार्ड, SAT का स्कोर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप बोर्ड मेरिट के बेसिस पे भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी नंबर और ईमेल उस फॉर्म में फिल करेंगे वो एक्टिव होना चाहिए बिकॉज उसकी फर्दर डिटेल्स, आपकी एडमिशन की फर्दर डिटेल्स उसी ईमेल पे शेयर करेंगे। सो प्लीज़ वो नंबर
और वो ईमेल हमेशा एक्टिव रखना। जब आपका फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक ऑफ़र लेटर आएगा, और उस ऑफ़र लेटर में ये मेंशन होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। एंड देन उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो आपकी फ़ीस का ही अमाउंट आपको पे करना होगा, और आपको अपनी सीट को रिज़र्व करना होगा। इससे क्या होगा कि आप अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट अपने फ़ीस का पे करेंगे तो आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाओगे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। एंड जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप कैंपस आएंगे, तो आप अपनी बाकी की फ़ीस पे करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यूपीएस की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अगर इफ़ इन केस आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपको उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके लिए आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, अपनी इनकम, अपने फैमिली इनकम का स्टेटमेंट सबमिट करना होगा जो कि 12 लाख पर एनम से कम होना चाहिए, और आपको अपना आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो जाओगे स्कॉलरशिप के लिए। और जो बच्चे यूपीएस के एलुमनाई हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, और इफ़ इन केस स्पोर्ट कोटा है तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और इफ़ इन केस अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सो यूपीएस की तरफ से भी आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईजिली स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका एंट्रेंस देने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और गाइज उसके लिए यूपीएस की तरफ से आपको बहुत सारे डेट्स और टाइम स्लॉट मिलेंगे, बट आपको वो डेट और टाइम स्लॉट खुद चूज़ करने का मौका मिलेगा। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप कौन से डेट को और किस टाइमिंग पे आप वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, और आपका इंटरव्यू होगा। और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जो नंबर और ईमेल आपने उस एप्लीकेशन में मेंशन किया है वो उसके थ्रू आपको कन्वे करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। गाइस जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 10th 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और आपको आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी सबमिट करना होगा। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे सबमिट करने होंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।